जो किसानों का फैसला आया तो संविधान का भी काम कर रहा है ना, जरा मान लें। वो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है तो न्यायपालिका में तो हम लोगों की आस्था है ही। हम तो मानते हैं कि न्यायपालिका सशक्त होनी चाहिए, न्यायपालिका को निष्पक्ष काम करने की पूरी अवसर मिलने चाहिए। और जिस तरीके से आज सरकार तानाशाही रास्ते पर चल रही है, लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचल रही है, देश को बेचने का पाप कर रही है, नौजवानों को बेरोजगार बना रही है, महंगाई पर कोई नियंत्रण सरकार का नहीं रह गया है, किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रही है, दूना लाभ लाने का वादा करने वाली सरकार आज तक दूना लाभ को नहीं दिला पाई। अलबत्ते आज जब जब किसानों का उत्पाद होता है तो सरकारी क्रय नदारद हो जाते हैं, बिचौलियों के माध्यम से मजबूरी में किसानों का अपना उत्पाद बेचना पड़ता है, छुट्टा जानवरों का आतंक अलग से है। हमने तो देखा मैनपुरी एटा इटावा, रात में लोग अपनी खेत को ताकते नजर आते हैं। अगर एक बार तो हमने पूछा भाई टार्च ले क्यों कर रहे, तो कहा जानवर छुट्टा आते हैं चढ़ जाते हैं इसलिए रखवाई कर रहे हैं। हालात ये आज यहाँ तक कि अभी अभी जो 145 सांसदों को लोकसभा से बाहर का रास्ता दिखाया गया, बाहर किया गया 145 पार्लियामेंट से, ये क्या है? ये लोकतंत्र को कुचलने की बात नहीं तो आखिर है क्या? जो बहस के लिए बनी हो पार्लियामेंट, उस पार्लियामेंट में सरकार बहस से कतराती हो और बहस की मांग करने वाले को सरकार के इशारे पर बाहर कर दिया जाता हो तो स्वाभाविक रूप से इस सरकार का लोकतंत्र में विश्वास नहीं। यही कारण है कि आज तानाशाही रवैये से सब कुछ मनमाने तौर तरीके से सरकार अपने प्रभाव में लेके काम कर रही है। आज शिक्षा महंगी कर रही है, हर चीज में छोटी से लेकर बड़ी चीज सब में जीएसटी छोटी छोटी चीज। और आज जिस तरीके से महंगाई की मार से आम जनता परेशान है, सरकार का उसको नियंत्रण कोई प्रभाव नहीं, तो कुल मिलाकर के हर मुद्दे पर सरकार फेल हुई है। सरकारी संपत्तियां बेची जा रही है, ये सरकार की असफलता का सबसे बड़ा जीता जागता निशान है। स्वामी प्रसाद मंदिर का 22 तारीख को बाढ़ प्रतिष्ठा हो रही है, कल घंटा दिलेश्वर पे गया था तो केंद्र सरकार के कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब का कहना था कि जिन लोगों ने कार सेवकों पे या राम भक्तों पे गोली चलवाई वो अगर अयोध्या जाना चाहे तो उनका स्वागत है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके फैन? एसपी सिंह बघेल जी हमारे बहुत अच्छे साथी रहे हैं और जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी वहाँ पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। रही बात एसपी सिंह बघेल भी उस समय समाजवादी पार्टी में थे, जिस समय की वो बात कर रहे हैं वो भी समाजवादी पार्टी में थे जिस समय अयोध्या वाला प्रकरण चला था, इसलिए उनको नहीं बोलना चाहिए। आप जो बयान जो आप लोग आपका जो बयान आजकल मीडिया की सुर्खियों में रहता है, जो आप बयान जो आप जो देते हैं उसको लेकर के सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य तो हिंदू धर्म विरोधी है, देवी देवता को गाली देते हैं। अब सही माने में आज मैंने क्या बोला, मीडिया इस पर क्यों नहीं बहस करती, 10 दिन पुराने बात को क्यों उछालती है? तो इसका मतलब है मीडिया सरकार का पक्ष बनकर के काम कर रही है, जबकि